बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज है थर्सडे और मैं जस्ट अपनी डिनर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ ब्लॉग भी शेयर करूं, क्योंकि मैं आज कुछ ऐसा बना रही हूं जो मैंने अपने चैनल पे कभी भी शेयर नहीं किया। और ये रेसिपी हमारे घर में भी साल में 2 या 3 बार ही बनती है, और मुझे ट्रस्ट मी ये सब्जी खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद था, बट मैंने शादी के बाद इसे अपनी मॉडिफिकेशन से जब से बनाना स्टार्ट किया है तब से मैं इसे खाने लग गई हूँ, तो सोचा वो मॉडिफिकेशन आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता, जो मोस्ट ऑफ द लोगों को पसंद नहीं होता लाइक मी, बट मैं जिस तरीके से बनाती हूँ उस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। कुकिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एप्रन पहन लेती हूँ, क्योंकि आज मैंने ब्लैक कलर का टॉप पहना है तो इसमें छींटे वगैरह लग जाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है देखने में भी। तो बस चलिए अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा बैंगन लिया था और एक टमाटर, जिसे मैंने कुकर में डाल के थोड़ा सा पानी और थोड़े से नमक के साथ 2 सीटी आने तक प्रेशर कुक किया है। अगर आप इस तरीके से बैंगन का भरता बनाएंगे ना, जिस तरीके से आज मैं आपको बता रही हूँ, तो बहुत क्विकली आप इसे बना लेंगे और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो आप अगली बार जब बैंगन का भरता बनाएं तो बैंगन को प्रेशर कुक कर लीजिएगा एक टमाटर के साथ 2 सीटी के लिए। और बस अभी मैं बेसिक सब्जियां चॉप कर रही हूँ, जैसे कि आधा प्याज आधा टमाटर ही लूँगी, क्योंकि एक टमाटर ऑलरेडी मैं बैंगन के साथ प्रेशर कुक कर ही चुकी हूँ। तो आधा प्याज आधा टमाटर और 2 हरी मिर्च, ये सब मैं चॉप कर लूँगी। और आज मैं इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो डालूँगी, उसकी वजह से ये बिल्कुल भी बैंगन का भरता आपको नहीं लगेगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप पाव भाजी वाली भाजी खा रहे हैं। स्पेशली जब आप बच्चों को ये सर्व करें तो बिल्कुल मत बताइएगा कि बैंगन का भरता है, तो डेफिनेटली आपके बच्चे भी इसे भाजी समझ के बहुत शौक से खाएंगे। तो बस चॉपिंग वगैरह हो गई है और बैंगन का भरता मैं चढ़ा देती हूँ बनाने के लिए। तो पैन में मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल में ही आप इसे बनाइएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है मस्टर्ड ऑयल में। तो ऑयल के गर्म होने पे मैंने इसमें डाला है हींग, जीरा, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा अजवाइन, और इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और अगर आपके पास जिंजर और गार्लिक हो तो वो भी इसमें ऐड करिएगा। आज मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं ऐड किया, बट जिंजर गार्लिक का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर। और अब इसके अंदर मैं अपना कटा हुआ प्याज ऐड कर दूंगी, और प्याज को हमें ऑल द वे पूरा कुक नहीं करना, जब ये 50% कुक हो जाएगा बस उसके बाद हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देंगे अपना भूनने के लिए। और जब आप प्याज ऐड कर देते हैं ना, तो तुरंत इसमें सॉल्ट ऐड कर दीजिए, जिससे कि प्याज पानी छोड़ना शुरू कर दे और आपका कुकिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाए। तो देखिए प्याज ऑलमोस्ट 50% कुक हो गया था, तो मैंने टमाटर भी डाल दिया है और टमाटर भी 2 से 3 मिनट में ही भुन जाएगा। उसके बाद अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। तो मैंने 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और किचन किंग मसाला ऐड किया है, और एक जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ये है पाव भाजी मसाला। तो 1 पूरी चम्मच भर के इसके अंदर मैंने पाव भाजी मसाला ऐड किया है। इस मसाले की वजह से ये बिल्कुल भी बैंगन का भरता नहीं लगता, ये बिल्कुल पाव भाजी जैसी भाजी लगती है। तो बस मसाले को भी अच्छे से मैंने भून लिया है, और इसके बाद जो मैंने बैंगन और टमाटर को प्रेशर करके रखा था वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और अब आपके बैंगन के भरते का टेस्ट कैसा आएगा वो टोटली डिपेंड करेगा कि आप इसे कितनी अच्छी तरह भून रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट आप बहुत अच्छे से बहुत देर तक अपने बैंगन के भरते को भूनते रहें, आपको कंटिन्यूसली इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आप चला के इसे मीडियम फ्लेम पर रख दें, बीच बीच में आप इसे चलाते रहें जिससे कि ये पैन में लग के जले ना, और ये अपने आप भूनता रहेगा, और जितना ये भुनेगा उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और साइड में मैंने अपने जो चावल हैं वो भी चढ़ा दिए हैं, क्योंकि आज मैं प्रॉपर मारवाड़ी डिनर बना रही हूँ, चावल कढ़ी और बैंगन का भरता। तो जब तक मेरा बाकी सब सामान कुक हो रहा है, मैंने सोचा कि कढ़ी की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कटोरी बेसन लिया है, और सेम कटोरी से मेजर करके 1 कटोरी में दही डाल रही हूँ इसके अंदर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर भी ऐड किया है, और अब मैं इसे अच्छे से विस्क करूँगी जिससे कि इसमें कोई लम्स ना रहें। बेसन को घोलना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसीलिए आप इसे अच्छे से विस्क करें, अगर इसमें कोई भी लम्स रह जाते हैं तो फिर वो उन लम्स को तोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, इसीलिए आप इसे अच्छे से धीरे धीरे करके विस्क करें। और सेम कटोरी से मेजर करके मैंने 4 कटोरी इसके अंदर पानी ऐड किया है। तो देखिए ये मेरा मिक्सचर रेडी हो गया है कढ़ी बनाने के लिए।
यहाँ पर देखिए मेरा बैंगन का भुरता अच्छे से भुन रहा है। तो चलिए अब बनाते हैं कढ़ी। जब भी आप कढ़ी बनाते हैं ना, तो कोई बड़े पैन में कढ़ी बनाएं, क्योंकि जब कढ़ी बॉयल होना स्टार्ट होती है तो वो थोड़ा सा उफन जाती है, जिससे कि वो बाहर ना निकले, इसीलिए मैंने बड़ा पैन लिया है। और थोड़ा सा बस पैन को ग्रीस किया है, ज़्यादा ऑयल वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है इसके अंदर। तो ये मिक्सचर जो मैंने बना के रखा था वो डाल दिया है, और अब इसे कंटिन्यूअसली चलाते चलाते मैं कुक करूँगी, जब तक इसमें बॉयल ना आए, क्योंकि इसमें दही है तो वो फटने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। और देखिए जब कढ़ी बॉईल हो जाएगी तो जो हल्दी हमने डाली थी उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, येलो हो जाएगी आपकी कढ़ी। और मैंने इसके बाद इसमें नमक डाल दिया है। तो अब मैं इसे दूसरी गैस पे शिफ्ट कर दूंगी, क्योंकि अब इसे मुझे ओकेजनली ही स्टेयर करना है। और यहाँ पे मेरा जो बैंगन का भरता है वो अच्छे से भुन चुका है, तो मैंने सोचा अब इसे मैं फाइनलाइज कर देती हूँ। तो देखिए जब आपका बैंगन का भुरता अच्छे से भुन जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि उसने पैन को बिल्कुल छोड़ दिया है, और बिल्कुल ग्रीजी ग्रीजी हो जाएगा पैन आपका। तो बस वही टाइम होता है, आपको पता चल जाएगा कि बैंगन का भुरता अच्छे से भुन चुका है। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर और धनिया पत्ता डाल के इसे मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपनी कढ़ी के लिए तड़का। तो तड़के के लिए मैंने पैन में लिया है थोड़ा सा घी, उसके बाद मैंने मसालों में लिया है 2 खड़ी लाल मिर्च, थोड़ा सा मेथी दाना और थोड़ी सी मस्टर्ड सीड्स। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हींग, थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा जीरा और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर से कलर बहुत अच्छा आएगा आपकी कढ़ी का। और बस थोड़ा सा आप स्टेयर कर लें इस तड़के के मसाले को, और उसके बाद इसे भी मैं कढ़ी में डाल दूंगी। आज मैंने बिना पकौड़े वाली कढ़ी बनाई है। कभी कभी बिना पकौड़े वाली कढ़ी भी, सिंपल सी कढ़ी खाने का मन करता है, तो मैं ये वाली बना लेती हूँ। क्विक भी होती है और अच्छी भी बहुत लगती है खाने में। और मेरी आदत है डिनर बनाते ही अपनी किचन को एकदम नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। जो भी बड़े बर्तन कुकिंग वाले होते हैं उनको भी मैं क्लीन करके सब वॉश करके रख देती हूँ, जिससे कि फिर सुकून से आराम से आप बैठ के खाना खाएं, और डिनर के बाद जो थोड़े बहुत खाने के बर्तन होते हैं वो फिर बाद में धुल जाते हैं। तो देखिए बस किचन मेरी क्लीन हो गई है, और मेरी किचन कुछ इस तरीके से लगती है डिनर वगैरह बनाने के बाद। आप बिल्कुल गेस भी नहीं कर पाएंगे कि अभी इस किचन में इतनी सारी कुकिंग हुई थी। और अभी मेरा टाइम है, थोड़ा सा दिया बाती करूँगी, 6:30 बजा है, तो ये परफेक्ट टाइम रहता है दिया वगैरह लगाने का। इस टाइम पे बैठ के मैं थोड़ा सा मेडिटेट करती हूँ। डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव पूजा वगैरह तो मैं नहीं कर पाती हूँ, बट डेली बेसिस पे दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा और आरती ज़रूर करती हूँ, और भगवान से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए ये हमारा प्रॉपर मारवाड़ी डिनर, बैंगन का भरता, कढ़ी और चावल, बहुत ही यम लगता है ये कॉम्बिनेशन। एक बार आप ज़रूर अपने घर पे बनाइएगा, बहुत ही सिंपल है बनाना। और मेरे घर पे सब लोग कढ़ी मिक्स करके चावल में खाते हैं, काफ़ी लोग कटोरी में अलग से लेके और चावल अलग से लेके खाते हैं, बट हमारे यहाँ इस तरीके से सब कुछ मिक्स करके खाया जाता है और इसी तरीके से पसंद किया जाता है। तो देखिए मैंने कढ़ी चावल सर्व कर दिया, और साथ ही में मैं बैंगन का भरता भी रख दूंगी। और आज मैं आपको बताती हूँ कि हम मारवाड़ी कढ़ी को एक और तरीके से खाते हैं, वो है मेथी खाकरे के साथ। आजकल खाकरा तो बहुत सारे फ्लेवर्स में अवेलेबल है, बट कढ़ी का जो सबसे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है वो मेथी खाकरे के साथ आता है। तो यहाँ पे मैं 2 खाकरे के ये रोल्स ले रही हूँ, इनको मैं थोड़ा सा चूरा चूरा करके एक बाउल में डाल दूंगी, और ऊपर से कढ़ी डालूंगी इसके। और जो खाकरे के साथ एक मसाला आता है ना, वो थोड़ा सा आप इसके ऊपर स्प्रिंकल करें, थोड़ा सा धनिया पत्ता डालें, और ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। स्पेशली ये नेक्स्ट डे बहुत अच्छा लगता है, अगर आपकी कढ़ी बच जाए ना तो उसे नेक्स्ट डे आप खाकरे के साथ ट्राई करिएगा, तो आप बिल्कुल मतलब अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना टेस्टी लगता है ये खाने में। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार मेरे कहने पर।
अभी हम लोग थोड़ा सा डिनर करने के बाद बाहर निकले हैं, वॉक करेंगे और गोविंद जाएगा पार्क, थोड़ा सा प्ले करेगा वो पार्क में। और किसी ने मुझसे पूछा था कि यहाँ पे सनसेट कितने बजे होता है, तो समर्स में ऐसा रहता है कि समर्स में 8-10 तक सनसेट होता है, और विंटर्स में मैंने सुना है कि बहुत जल्दी सनसेट हो जाता है, बाय 4-4:30 बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो वो तो अभी येट टू सी है, देखते हैं कैसा रहेगा विंटर्स में, बट अभी तो काफ़ी उजेला है। देखिए अभी 7 बजा है और आप देख सकते हैं पूरी रोशनी है, 8, 8:15, 8:30 तक भी रोशनी रहती है, बिल्कुल अंधेरा नहीं होता यहाँ पर। आएगा गोविंद घर? नहीं जाएगा? नहीं। क्यों नहीं जाएगा होम? अच्छा पार्क को बोल दो कल आएंगे। अब आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं अपनी गैस पे ये ड्रिप प्लेट्स पे फॉइल पेपर क्यों लगा के रखती हूँ, तो सोचा मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये फॉइल पेपर बेसिकली मैं इसलिए लगा के रखती हूँ क्योंकि ड्रिप बाउल्स पे ना काफ़ी सारा फूड गिरता है जब आप कुकिंग करते हैं, जब आप दाल वगैरह बॉयल करते हैं तो अक्सर उसका पानी निकल जाता है कुकर से, तो ड्रिप बाउल्स पे गंदगी ज़्यादा ना रहे इसीलिए मैं ये फॉइल पेपर से इसको कवर करके रखती हूँ। और वीकली बेसिस पे आप इसे चेंज कर लें, अंदर से आप देखेंगे ड्रिप बाउल मेरा एकदम न्यू जैसा शाइन करता रहता है। कभी कभार जो थोड़े बहुत स्टेन्स लग भी जाते हैं ना, तो वो नॉर्मल सोप एंड वाटर से आप क्लीन करें, नॉर्मल जैसे आप बर्तन क्लीन करते हैं, तो उस तरीके से आपका बिल्कुल ड्रिप बाउल क्लीन हो जाएगा। अदरवाइज़ जिनके ड्रिप बाउल्स पे ये फॉइल पेपर नहीं होता ना, मैंने देखा है कि बिल्कुल काले काले ड्रिप बाउल्स हो जाते हैं उनके, और फिर क्लीनिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो देखिए मैंने सोचा एक बार आपको चेंज करके भी दिखा देती हूँ। इस तरीके से मैंने फॉइल शीट ली है इसके साइज़ की, और चारों तरफ से बस इसको मैं इस तरीके से रैप कर देती हूँ और एक होल बना लूँगी इस ग्रिल को लगाने के लिए। बहुत ज़्यादा आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ जो गैसेस होती हैं जैसे कुछ जो स्टव हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं यूज़ होते, उसको आप थोड़ा कम चेंज कर लें, और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं उसको आप वीकली बेसिस पे चेंज कर लें। सोने से पहले मैं मिनिमलिस्टिक अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन कर रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर लूँ। ये क्लीन एंड क्लियर का फेस स्क्रब है, ट्वाइस अ वीक मैं इसे यूज़ करती हूँ और ज़्यादातर रात को ही यूज़ करती हूँ, तो बस थोड़ा सा लिया है अपने हैंड में और अपनी स्किन को वेट करके अच्छे से इसे अपने पूरे फेस पे स्क्रब करूँगी। कुकिंग करते वक्त ना बहुत सारे फ्यूम्स, बहुत सारे ऑयल लिब्रेट होते हैं जो हमारी स्किन पे जाके बैठ जाते हैं, तो नाइट में तो अपना फेस वॉश अच्छे से करके सोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम लेडीज़ के लिए। अदरवाइज़ ये सारा गंक अगर हमारी स्किन पे बैठा रहेगा ना पूरी रात, तो फिर एक्ने वगैरह होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो मैं नाइट में अपना स्किन केयर थोड़ा सा अच्छे से कर लेती हूँ और स्क्रब करने के बाद फेस वॉश करूँगी। ये मेरा ला रोश पोसे का एफेक्लार फेस वॉश है, काफ़ी लोग पूछ रहे थे, लास्ट वीडियो में मैंने इसे शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो बस फेस वॉश करने के बाद टिश्यू पेपर से अच्छे से पैड ड्राई करूँगी और उसके बाद मॉइस्चराइज करूँगी। बहुत ज़्यादा मैं कुछ स्किन केयर स्टेप्स फॉलो नहीं करती, बहुत सिंपल स्किन केयर स्टेप्स हैं मेरे। ये ओले की रीजेनरिस्ट क्रीम है, अगर आप लेट 20s में तो आई वुड रिकमेंड आप ये वाली क्रीम ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको स्किन में काफ़ी अपने डिफरेंस फील होगा। और क्रीम को अच्छे से मसाज करने के बाद मैं लिप बाम लगाती हूँ। तो यही सिंपल सा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन रहता है मेरा। आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या क्या करते हैं अपने नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी, होप करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। टिल देन बाय।